जुलाई के लास्ट वीक के अंदर हमें इंटीमेशन बड़ा बंगाल के लोगों द्वारा दी गई थी कि उनका जो उनके पशु हैं उसमें उनमें कोई जो बीमारी है उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और ये एक एप्रीहेंशन थी कि जो वहाँ पर जो डेथ्स हैं उन कैटल की उनके होने के चांसेस हैं। तो इसके चलते एक 4 सदस्यीय की जो टीम है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से, ज़िला प्रशासन की तरफ से वहाँ पर भेजी गई। ये टीम 1 अगस्त को ऑन फुट रवाना हुई और वाया होली ये टीम बड़ा बंगाल 4 अगस्त को पहुँची, और इस टीम ने अगले 3 दिन वहाँ पर जो कार्य है किया, लगभग 125 एनिमल्स जो हैं उनकी ट्रीटमेंट वहाँ पे की और जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल किया। परंतु परसों हमें ये इंटीमेशन मिली कि इस टीम के जो डॉक्टर हैं उनके पैर के अंदर स्प्रेन आया है और बाकी जो मेंबर्स हैं उनमें भी फटीग और जो फीवर हैं उनके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ सेटेलाइट फ़ोन पर हमें ये भी सूचना मिली कि वहाँ पे एक व्यक्ति जो इंटरनल एक पुलिया बना रहे थे वहाँ पे गांव के अंदर बड़ा बंगाल के अंदर, उनकी गिरने के कारण उनमें उनकी टांग के अंदर जो है वो फ्रैक्चर जो है वो हो गया है। और इसके चलते फिर ज़िला प्रशासन ने एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिक्विजिशन किया और एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं दिल्ली में उनसे भी बातचीत की, और पिछले कल जो है सुबह 8:30 बजे ससावा एयरफोर्स स्टेशन जो है वहाँ से जो 2 चीता हेलीकॉप्टर है वो एयरफोर्स के उन्होंने भेजे, और लगभग 10:30 बजे के आसपास ये हेलीकॉप्टर्स जो है वो गग्गल पहुँचे, और गग्गल में भी हमारी जो टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करती रही। साथ ही वहाँ पर SDM बैजनाथ की जो टीम है डायरेक्टली बड़ा बंगाल में सेटेलाइट फ़ोन के माध्यम से लगातार संपर्क बना के और उन्होंने वहाँ पर रखा हुआ था। और कल जब ये जब वेदर थोड़ा सा परमिट किया हमें, लगभग 11:30 बजे के आसपास जो यहाँ दोनों हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने बड़ा बंगाल की तरफ जो है वो रवाना हुए, और वहाँ पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके एक साथ में हमने पैरामेडिक भी भेजा जिसके पास जो एसेंशियल मेडिसिन हैं और स्प्लिंट्स वगैरह, क्योंकि ये बताया गया था कि उस व्यक्ति को फ्रैक्चर हुआ है तो जितने भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो एक फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट्स थी उसके साथ हमने जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का पैरामेडिकल स्टाफ भी उन चीता हेलीकॉप्टर्स के साथ बड़ा बंगाल भेजा, और वहाँ पर उन्होंने जो पेशेंट हैं उनको प्राथमिक उपचार दिया, और साथ में जो 5 लोग हैं 4 जो टीम के मेंबर्स थे और एक जो घायल थे उनको जो सफलतापूर्वक लगभग 1:30 बजे के आसपास हम लोग गग्गल ले आए, और उसके बाद जो है उनको टांडा, यहाँ पे हमारी पूरी तैयारी थी, सभी मेडिकल टीम CMO साहब खुद यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर वो तैनात थे, और साथ में एम्बुलेंसेज भी 3-3 एम्बुलेंसेज हमने यहाँ पे रखी थी कि यदि कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो उसको इमिजिएटली हम केटर कर सकें। और टांडा में भी SDM नगरोटा और साथ में जो टांडा मेडिकल कॉलेज की अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर उन्होंने सारी तैयारी पहले की हुई थी, और वहाँ पर उन पेशेंट्स को ले जाया गया और उनको जो एक जो हमारे डॉक्टर हैं उनके तो एंकल के अंदर जो स्वेलिंग थी उसका भी जो उपचार है डायग्नोसिस किया गया और फर्दर ट्रीटमेंट की गई, और जो एक घायल व्यक्ति थे उनकी जांघ की हड्डी का जो फ्रैक्चर है वो डिटेक्ट हुआ है और वो पेशेंट भी अब स्टेबल है। तो ये जो इस टीम ने वहाँ जाकर एक काफ़ी अच्छा काम मैं कहूँगा, और इस टीम ने जो काम किया है इसको हम रिकॉग्नाइज भी करते हैं, और इस आगामी 15 अगस्त पे इस टीम को सम्मानित भी जो ज़िला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इसको किया जाएगा। और कल का ऑपरेशन ही बहुत ही एक मैं कहूँगा प्रिसीजन से कैरी किया गया और इसमें विदाउट एनी जो हिचेस हैं वो कैरी आउट किया गया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश सरकार का भी उनकी टाइमली सपोर्ट के लिए, और साथ में एयरफोर्स का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने प्रॉम्प्टली ज़िला प्रशासन के जो रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्ड किया और इमिजिएटली विद इन मैटर ऑफ 12 आवर्स ही अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भेजे जिससे हम इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कैरी आउट करें।